तो दोस्तों, मैं डॉक्टर अदा मुल्तानी आज आपको एक और बहुत ही अहम बीमारी के बारे में बहुत ही आसान सा, बहुत ही असरकारक और बिल्कुल मुफ्त इलाज बताऊंगा। और वह बीमारी है यूरेटरिक कैलकुलाई, मतलब कि पेशाब की नली के अंदर पथरी। ये पेशाब की नली में जब पथरी होती है तो बहुत ज्यादा दर्द पैदा करती है। इसमें पेशेंट को बहुत बहुत ही सीवियर दर्द होता है, ऐसा दर्द उसने कभी अनुभव नहीं किया, और इसको वही अच्छे से बता सकता है जिसने ये वाकई में अनुभव किया हो। इसका इलाज आयुर्वेद में बहुत ही आसान है, बिल्कुल मुफ्त है। इसमें आपको बहुत बस दो काम करना है, एक केला लेना है, अच्छी क्वालिटी का एक केला हो, इस केले को आपको लीजिए। और आपको एक लेना है कैम्फर, कपूर की टिकिया। कपूर उर्दू में काफूर बोलते हैं, इंग्लिश में कैम्फर बोलते हैं। ये आपने टिकिया ली, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, ये केला टिकिया। और फिर हमने इसको छील लिया, जिस भी पेशेंट को ये प्रॉब्लम है उसको इसको केले को ऐसा लेना है, छीलना। कपूर की जो टिकिया मैंने ली थी उसके हमने तीन हिस्से कर दिए, उन तीन हिस्सों को हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगा देना है। जैसे एक मैंने यहाँ लगाया, एक मैंने यहाँ लगाया और तीसरा मैंने यहाँ लगाया। अब इस जो जिस रोगी को ये प्रॉब्लम है उसको ये केले को खा लेना है पूरा। पूरा खाने के बाद फिर आधा दूध, आधा गिलास दूध और आधा गिलास पानी मिला के पी लेना है। फिर बहुत सारा पानी पीते जाना है, पीते जाना है, पीते जाना है। तो आप जब ऐसा करेंगे तो ये पूरी की पूरी संभावना है कि 2 से 3 दिन में आपकी 5 से लेकर 8 mm तक की पथरी, जो कि नली में या मूत्र मार्ग में या यूरेटर के अंदर फंसी हुई है, वो निकल जाएगी। ये बहुत ही असरकारक इलाज है। इसमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी नहीं है, जैसे कि पथरी बहुत प्रकार की होती है, यूरेट्रिक मतलब यूरिक एसिड के कैलकुलाई होते हैं और आपके कैल्शियम ऑक्सीड के होते हैं, स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं। इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं, हमें तो बस ट्यूब से निकालना है। तो आप इलाज करिए, 2 से 3 दिन में तकरीबन 70% पेशेंट की पथरियां निकल जाती है और दर्द में आराम भी तुरंत हो जाता है। इसे जरूर पथरी के रोगियों से शेयर करें। शुक्रिया, धन्यवाद।